जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये कई लोगों के जो जितने पहले पुराने वाली जो वैकेंसी में जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उनके लिए भी और आने वाली जो नई वैकेंसी जिसमें फॉर्म भरने वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुछ लोग अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो क्या उनके भी रिजेक्ट होते हैं। जैसे कल मैंने बताया कि SSGD का जो नया रूल आया है, आज भी मैं उसके बारे में बात करूंगा कि अगर आप मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा से अप्लाई करते हो, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, आप गुजरात से अप्लाई करते हो, या छत्तीसगढ़ से अप्लाई करते हो, आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इससे नुकसान हो सकता है, और कौन से स्टेट से आपको अप्लाई करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पता कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा कि इस वैकेंसी में भी कई लड़के जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गुजरात से फॉर्म भरे हैं या अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया कम नंबरों पर भी। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार SSGD की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको फ़ायदा हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अब साथ ही मैं बता दूँ सबसे पहले कि दोस्तों आप SSGD की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो SSGD के लिए सबसे मैंने कौन सी बेस्ट बुक है इसके बारे में वीडियो बना रखा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। साथ ही कौन सी टेस्ट सीरीज, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये परीक्षा ऐप है, इस पर आप जाइए और SSGD की टेस्ट सीरीज लीजिए, या अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आर्मी की टेस्ट सीरीज भी आपको पता कि कई ऐप पर कई जगह आपको नहीं मिलेगी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर्मी की, या जो पुराना पैटर्न ही मिलेगा, बिल्कुल नए पैटर्न पर अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्यों सुना रहे उसके बारे में। तो इस ऐप से जाके आप आर्मी या SSGD या जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो ऑनलाइन, और वो भी कमांडो 50 आप लिखोगे कैपिटल अक्षर में तो आपको वो 50% डिस्काउंट होकर मिल जाएगी दोस्तों। तो आप ज़रूर परचेज़ करें और आपको अच्छे से तैयारी करें और किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करें इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो 100% आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि पेपर आता कैसा है। इसमें ओल्ड पेपर दिए हुए हैं और साथ में नए पैटर्न के पेपर भी दिए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा आप कितने पानी में और कितने पानी के बाहर। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी में, जैसे आपने देखा पिछली वैकेंसी में कई ऐसे लड़के होंगे आपके आसपास में, या आपसे सीनियर अगर कोई है जिसने SSGD वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, उनमें से कई ऐसे होंगे जिन्होंने अदर स्टेट से फॉर्म लगाया है और उनका मेरिट में नाम आ गया है। ऐसा होता है, वो क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। आप जब फॉर्म में अप्लाई करोगे उसमें ऐसा ऑप्शन भी आएगा, लेकिन मैं बता दूं सबसे पहले इसका जो एज क्या, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में मेरे से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर इसकी एज लिमिट क्या आएगी या एज का क्राइटेरिया क्या आएगा। तो दोस्तों बता दूं जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी SSGD की 2018 वाली, उसमें जिस महीने से वो नोटिफिकेशन आई थी उससे अगले महीने की 1 तारीख से एज काउंट हुई थी। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो, लेकिन इस बार क्या कि 25 मार्च उसकी नोटिफिकेशन की डेट है, तो आगे 6 ही दिन बच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने का टाइम मिले, यानी 25 अप्रैल, यानी अगर 1 अप्रैल भी मिले एज काउंट के लिए या 25 अप्रैल, इन दोनों में से मिलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 अप्रैल या 25 अप्रैल 2003 से लेकर 1998, 25 या 1 अप्रैल जो भी डेट आती है फिक्स, उसके बीच में जिनका जन्म हुआ और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि अगर आप अदर स्टेट में भी फॉर्म भरना चाहते हो, अदर स्टेट से भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसी एज क्राइटेरिया के अंदर आने चाहिए। अगर आप OBC में हो, SC ST या किसी भी कैटेगरी में आते हो, कोई किसी भी प्रकार का अगर आप आरक्षण लेते हो, जैसे नक्सल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, किसी भी प्रकार का अगर आप आरक्षण लेते हो दोस्तों, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यानी इसी एज क्राइटेरिया वाला अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं OBC, आपको पता OBC में 3 साल की छूट मिल जाती है, तो मतलब 1 अप्रैल या 25 अप्रैल 2003 से लेकर, यानी पहले कब तक, 98 माइनस 3 कर लीजिए 95, मतलब 1 अप्रैल या 25 अप्रैल 1995 के बाद में जन्म और 1 अप्रैल या 25 अप्रैल 2003 से पहले का जिनका जन्म, यानी इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। SC या ST की अगर बात करें तो उनको 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी 95 से और 2 माइनस कर दीजिए 93, 1993 से लेकर 2003, 25 अप्रैल या 1 अप्रैल जो डेट आती है उसके बीच में जिनका जन्म हुआ होगा तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। ये इसकी एज एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप इसके अंदर आते हो तो ये है कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से, जैसे आपको मैंने बताया कि अदर स्टेट से फॉर्म भरने का क्या फ़ायदा होता है और कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा फायदा होता है, तो उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी में ही आना चाहिए, यानी जनरल ही फाइट करनी पड़ेगी। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें यहाँ पर और जोड़ूंगा, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो या SSGD की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानना है।
दोस्तों अगर आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि कई जो लड़के हैं वो अदर स्टेट से बढ़ते हैं लेकिन उनको खुद के स्टेट की मेरिट से भी फाइट करनी पड़ती है। कई बार होता क्या कि जैसे अगर मान लो आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, आपने गुजरात से फॉर्म अप्लाई किया, अप्लाई करने के लिए वहाँ पर आता है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो, इसका ऑप्शन आता है। उस समय आप ऑप्शन में भर सकते हो कि मुझे इस स्टेट से अप्लाई करना है। तो अगर आपने गुजरात से मान लो अप्लाई किया तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लड़के गुजरात से गुजरात की मेरिट फाइट कर जाते हैं और कुछ होते हैं कि गुजरात की मेरिट फाइट नहीं करते, वो स्टेट की मेरिट में आके फंस जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन कईयों का होता हो जाता है, अदर स्टेट से सिलेक्शन हो जाता है कम नंबर पर भी, लेकिन कईयों का नहीं होता। इसका रीज़न क्या है ये नहीं, अब छोटी सी एक बात मैं बात बताता हूँ, अच्छे से समझना आप इस बात को। जैसे अगर मान लो मैं हूँ हरियाणा का और मैंने छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया, छत्तीसगढ़ की मेरिट गई है 50 और मेरे नंबर है 55, ठीक है, और हरियाणा की मेरिट गई है 70, तो मेरा 55 पे सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक दूसरा लड़का है जिसके 53 है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वहाँ की मेरिट कितनी है 50 है, लेकिन 53 होने के बावजूद भी वो भी छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों होता क्या है कि हर एक स्टेट, जितने भी स्टेट है SSC GD की जो भी वैकेंसी आती है वो स्टेट वाइज डिवाइड होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एरिया जैसे बॉर्डर, नक्सल, जनरल, इन एरियों अलग डिवाइड होती है, वहाँ पर सिटी भी अलग से डिवाइड होती है। तो ये क्या होता है कि जैसे आपने अदर स्टेट से, जैसे किसी भी स्टेट से आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ की आपको पहली बात है वहाँ की जनरल कैटेगरी फाइट करनी पड़ेगी, जनरल की जो मेरिट रहेगी वो फाइट करनी। दूसरी बात, हर एक स्टेट से कुछ फिक्स आरक्षित सीटें ही होती है जिन सीटों पे ही आपको सिलेक्शन दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो होगा क्या, जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश में जैसे मेरिट जाती है मान लो 43, अब सभी आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर देंगे और जो राजस्थान हरियाणा वाले हैं वो तो 80-80 नंबर लेके आ जाएंगे, तो फिर आंध्र वाले कैसे लगेंगे भाई, फिर इनका तो नंबर ही नहीं आएगा ना। तो होता क्या कि हर एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखता है कि इतने सीटों पर दूसरे स्टेट के लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप राजस्थान पुलिस, राजस्थान गवर्नमेंट के भी जैसे रेट की वैकेंसी आ सकी है उस पर आप अदर स्टेट के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 5% आरक्षण ही है उनको, 5% सीटों से ज़्यादा उनको सीटें नहीं दी जाएगी। तो यही रीज़न होता है कि आप अगर दूसरे स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो उस स्टेट की फाइनल मेरिट आपको पहली बात उनकी जनरल मेरिट हिट करनी पड़ेगी, दूसरी उसमें जितने भी लोग अदर स्टेट से आए हैं उनमें भी आपका नंबर ऊपर होने से ही आपका नंबर आएगा। तो जैसे एक उदाहरण एक और समझिए, जैसे कि वहाँ पर 50 लड़के आ गए अदर अदर स्टेट से, दूसरे स्टेट से, और उनमें से केवल 10 ही सीट आरक्षित है उस स्टेट से अदर स्टेट के लिए, यानी जितने उसमें सीटें उसमें से केवल 10 सीटें ही है कि इसमें, तो उन 50 में से 10 का नंबर आ जाएगा और बाकी 40 कहाँ चले जाएंगे, अपने स्टेट की मेरिट में चले जाएंगे। लेकिन हाँ, उनको नुकसान नहीं होगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर उनका उस स्टेट में नंबर नहीं आता तो फिर उनको अगर खुद के स्टेट की फाइनल मेरिट अप करनी पड़ती है, खुद के स्टेट की फाइनल मेरिट में उनका नंबर फिर अप होना चाहिए तभी उनका सिलेक्शन होता दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अदर स्टेट से, तो जब जैसे सीटें आएंगी, वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। ये मैंने केवल इतना सा आपके नॉलेज के लिए समझाया, अब मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा बायोडाटा कि किन किन लड़कों का अभी इसमें वैकेंसी में अगले वीडियो में कि अदर स्टेट से सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दूंगा, उनके कितने नंबर थे। हाँ, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता इस कंडीशन में, आप दूसरे स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। तो इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका नंबर कम नंबरों पर भी आ जाए। इसके बारे में जैसे सीटों की लिस्ट आएगी किस स्टेट से कितनी सीटें हैं तब मैं आपको पूरा उसका बायोडाटा बताऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिए चैनल से, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि आपको SSC GD के लिए मैं बहुत ही शानदार टिप्स दूंगा, उस हिसाब से आप फॉर्म में अप्लाई करना और आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक कर दीजिए, जितने भी आपके यार दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।